मेरा नाम मिशिका चौरसिया है। मैं रंगीला राजा फिल्म कर रही हूँ, ये मेरी डेब्यू फिल्म है। प्रहलाद जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मेरा डेब्यू गोविंदा जी के साथ हो रहा है, यू नो, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। सो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी वाली बात है कि मेरी पहली पिक्चर का जो डेब्यू हो रहा है वो बहुत बड़े लोगों के लोगों के साथ हो रहा है। बींग अ न्यू कमर, यहाँ पे लोगों को एक नाम नहीं मिलता है। आई गॉट थ्री बिग ने यू नो वेटरन नेम्स, वन इज़ प्रहलाद नलानी जी, गोविंदा जी, शक्ति कपूर जी। सो इन दैट वे आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। सो जैसे मुझे पता चला था कि मैं प्रहलाद जी की फिल्म कर रही हूँ, तो आई वॉज स्टन्ड, बिकॉज ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ है और जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैं उनसे मिली थी वो CBFC में थे। उसके बाद एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आता है उनका कि मिशिका वेर आर यू, इज़ आई एम वेरी मच इन मुंबई। इज़ ओके कम डाउन टू ऑफिस इफ़ यू आर देयर। आई इज़ यस आई आई विल। देन मैं पहुंची ऑफिस तो देखा ऑफिस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यू नो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, राइटर्स, डिज़ाइनर्स, एवरीबडी वॉज सिटिंग। एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थोड़ा नया एनवायरमेंट हो गया, तो मुझे लगा डिड आई कम इन टू राइट प्लेस, वेर एम आई। तो देन आई वॉज ओके। सो डिज़ाइनर था, मेजरमेंट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर ही इज़ फेमस फॉर नॉट टू गिव द स्क्रिप्ट टू एनी एक्टर्स, यू नो ही इज़ फेमस ओनली फॉर दैट, कि वो अपने एक्टर्स को, उनको लगता है कि स्क्रिप्ट नहीं देना चाहिए, बिकॉज प्री डिज़ाइनिंग, प्री प्लानिंग से उनको जो आउटकम चाहिए वो एक्टर उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा, एंड मे बी यू नो ही डज नॉट वॉन्ट ऑल दैट। सो जब एक बार ब्रेन में प्री डिज़ाइनिंग, प्री प्लानिंग हो जाती है तो थोड़ा सा स्विच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि सेट पे दिया जाए, सेट पे बताया जाए उनको क्या चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने सिर्फ मेरा वन लाइन में एक अपना नरेशन दिया कि यू आर प्लेइंग अ वेरी स्ट्रांग हेडेड यंग बबली गर्ल, यू नो वर्क आई मीन वर्किंग गर्ल। सो बस उन्होंने इतना दिया। एंड आफ्टर द मेजरमेंट, आफ्टर फिफ्थ आई मीन फिफ्थ डे ऑफ माई मेजरमेंट, दैट वी वेंट फॉर द शूट दैट हैड टेकन प्लेस इन ND स्टूडियो करजत। सो ये मेरी सारी जर्नी इन अ वे की शूटिंग एंड ऑल, इट वॉज वेरी आई कैन नॉट फर्गेट, बिकॉज एज इट इज़ माई डेब्यू फिल्म, प्लस इट वॉज द एनवायरमेंट वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी वाइब्रेटिंग, वेरी वॉट यू से आफ्टर द पैकअप ऑल्सो वी यूज़ टू हैव सो मच फन। वी यूज़ टू मेक श्योर कि हम साथ में डिनर करें, हम साथ में ना अंताक्षरी खेलें। हमारे सेट में तो जो एनर्जी होती थी वो होती थी, बट आफ्टर द पैकअप ऑल्सो हम लोग सब साथ में ही होते थे। ऐसा नहीं कि सब अपने रूम में जाके रेस्ट करें, आराम करें, बातें नहीं करें। हम आफ्टर द पैकअप ऑल्सो हम साथ में ही बैठते थे, डिनर करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। सो हमारा एनवायरमेंट एंड जैसे कि ये मेरी पहली फिल्म है, बट मैंने प्रहलाद जी के बारे में काफ़ी किस्से सुने हैं, शक्ति जी से और भी दूसरे जो गोविंदा जी से सबसे, कि वो अपने सेट का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्रिएटिव स्पेस का एनवायरनमेंट जो होना चाहिए जिससे इंसान अच्छे से सोच सके, अच्छे से डिलीवर कर सके, काम कर सके। सो ही कीप्स द एनवायरनमेंट वेरी फैमिली फ्रेंडली। मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं कोई नई जगह आ गई हूँ। मेरे लिए तो ये ना पहली फिल्म कर रही थी तो सब सारे लोग नए थे, मतलब आई वॉज नॉट नोइंग एनी वन। बट वाइल्ड शूटिंग आई डिड नॉट फील कि मैं कोई नई जगह आ गई। कोई भी अगर हम किसी नई एनवायरनमेंट में जाते थे, हमें एक दो दिन थोड़ा फिर भी लगता है कि यार नहीं, यू नो दिस इज़ नॉट माई थिंग, बट स्टिल आई टेक टाइम टू एडजस्ट इट। बट देयर आई डिड नॉट इवन टेक वन डे, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो फ्रेंडली एंड ही इज़ द वन हू टेक्स केयर ऑफ एवरी वन, यू नो टॉप टू बॉटम, इवन इंक्लूडिंग स्पॉट बॉय टू द टॉप, यू नो आई कैन से द गोविंदा, वो सबका इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते। ही इज़ द बेस्ट होस्ट आई कैन से, ही इज़ द बेस्ट पर्सन इफ़ यू टॉक अबाउट हिज इन पर्सन। ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, ही थिंक्स आई मीन ही टेक्स केयर ऑफ थिंग्स पीपल इन अ वेरी वॉट यू से द सटल वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड प्लस वेन इट कम्स टू वर्क ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही नोज हिज जॉब, यू नो ही इज़ बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम मेनी ईयर्स, ही हैज़ सीन ऑल काइंड ऑफ वट एवर यू नो द थिंग्स। सो ही इज़ वेरी मच अवेयर वॉट ही इज़ इन टू, वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम द एक्टर, वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम द एक्टर्स। सो इनके साथ काम करके जो यू नो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, बींग अ डेब्यू, बींग अ यू नो डूइंग अ फर्स्ट फिल्म, सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद दैम। एक्चुअली आई एम ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दैम,
सो द एनवायरमेंट वॉज वेरी नाइस. यू नो हमारे शूटिंग के टाइम तक तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था, बट वेन इट केम टू द रिलीज देयर द टॉस एंड द क्रॉसेस स्टार्टेड. सो हम लोग जैसे रिलीज पे बात आई तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, बहुत ज़्यादा यू नो ड्रामे हो गए. एंड ही इज़ फेमस फॉर मेकिंग ओनली फैमिली एंटरटेनमेंट बिकॉज ही नोज कि ऑडियंस तक पब्लिक तक क्या पहुँचना चाहिए. ही इज़ अ इन पर्सन ऑल्सो ही लाइक मैं तो लाइक सेट पे और वैसे जनरली जब बातें होती है पलाजी के साथ तो ही इज़ वेरी कल्चर्ड पर्सन. तो ही नोज़ कि ऑडियंस तक क्या पहुँचना चाहिए, पब्लिक तक क्या पहुँचना चाहिए. ही इज़ नॉट अ पर्सन कि वो ऐसा कुछ बना देंगे बींग अ प्रोड्यूसर कि बाद में वो खुद ही ट्रबल में आ जाए फर्स्ट प्लेस. बिकॉज ही वॉज अर्लियर ऑल्सो ही वॉज प्रोड्यूसर, ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटर. एंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही हैड होल्डेड दैट सीट जहाँ पे उनकी अथॉरिटी थी फिल्म यू नो साइन करने की ये सब चीज़ें. तो उनको अच्छे से रूल्स रेगुलेशन नॉर्म सब कुछ पता है. तो आई डोंट थिंक सो कि वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे आफ्टर डूइंग सच अ हार्ड वर्क यू नो आफ्टर स्पेंडिंग सो मैनी क्रोर्स ऑन दिस. तो ऐसा वो खुद से तो कोई काम नहीं करेंगे. बट आई फील जब वो अपनी सीट पे थे तो वो बहुत ज़्यादा यू नो पूरे होल्स और हार्ट से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसकी वजह से दूसरों को लगा कि वो बहुत ज़्यादा यू नो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट्स दे रहे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी लाइक यू नो विथ होल हिज हार्ट. बट अभी जब इन पे बात आई है तो उन जब वो कट्स देते थे, जब वो ये सब करते थे, तो उन लोग ने बहुत सारे लोगों ने यू नो अपने मन में ग्रजेस रख रखे होंगे उस टाइम पे डेफिनेटली. बट जैसे ही वो अपनी सीट पे नहीं रहे तो उन लोगों ने प्लानिंग कर ली होगी, क्योंकि इनके नाम पे न्यूज़ आ चुकी थी कि पहलाजी इज़ कमिंग बैक विद यू नो इज़ कमिंग बैक टू मतलब आपकी बातों प्रोड्यूस द का ये है फिल्म. कि प्रहलाद जी से एक निजी खुंदस में सीन को रोका जा रहा है, मतलब जी इस फिल्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जी आपका ये कहना है। तो जी कहीं ना कहीं लगता है कि इस फिल्म से आपके कैरियर की एक शुरुआत है, तो जी ये होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्या कहना चाहेंगे? सी ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक यू नो आई बींग अ न्यू कमर इट इज़ फर्स्ट प्लेस वेरी हार्ड टू गेट यू नो द वर्क. एंड वेन आई हैव गॉट द वर्क इट इज़ वेरी सैड एंड बैड कि न्यू कमर्स के साथ प्लस यू नो गोविंदा जी इस फिल्म में है. तो ये जो भी हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, बिकॉज ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, न्यू कमर्स के लिए अच्छा नहीं है जो आने वाले हैं या जो है. फॉर देम ऑल्सो इट्स सैड एंड बैड कि हर किसी को इनसिक्योरिटी रहेगी कि यार हमारी फिल्म आ रही, कहाँ से कट्स आ जाए, कहाँ से कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी आ जाए कि हमारी फिल्म होल्ड हो जाए. तो ये डर नहीं होना चाहिए, लाइक यू नो वी शुड बी लाइक केयर फ्री. बात करें पहला जी बहुत मजे हुए पुरानी इंडस्ट्री के इंसान हैं जी जिन्होंने गोविंदा जी को ब्रेक दिया, सब इनके सामने, लेकिन कोई भी हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो या कोई मंत्री हो, जब एक पोस्ट पर पहुंच जाता है तो सब उसकी नजरों में खटकता है, दुश्मन हो जाते हैं कि इतना सख्त क्यों है। आपको क्या लगता है कि हो सकता है इसके जरिए अभी आपकी फिल्म को इससे अच्छा प्रमोशन मिले, कि फिल्म में क्या है, एक पब्लिसिटी भी हो सकती है बहुत ज्यादा फिल्म की, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नहीं रोका गया है? हो सकता है जो अच्छे के लिए होता, हो सकता है इस फिल्म को देखने सी के लिए। आई बिलीव जो होता अच्छे के लिए होता है इसमें कोई डाउट नहीं है. जो भी गॉड प्लान करता है वो बेस्ट ही होता है. बट जो हमने प्लान किया था ना, थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वे दैट मैनर. सो उसके लिए प्रोड्यूसर सी ये तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर, इनका नाम तो यू नो टॉप फाइव फाइव में आता. बट जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी तो ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड. आई एम टॉकिंग अबाउट द यू नो होल प्रॉस्पेक्टस. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री. इट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीबडी. यहाँ पे तो चलिए वो बेयर कर लेंगे, ही इज़ केपेबल इनफ, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, इट इज़ नॉट एवरी वन कप ऑफ टी. सो होल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हर कोई सफ़र करता है, जैसे आज हम भी कर रहे हैं. हमारा एक प्लान था कि ओके हम सो एंड सो डेट पे ही इज़ बीन डूइंग द प्रमोशन, ही इज़ बीन यू नो डूइंग एवरीथिंग टाइम टू टाइम, बट इट इज़ अफेक्टिंग अस क्योंकि हमारी फिल्म उस डेट पे रिलीज़ नहीं हो पा रही है जिस दिन इन्होंने प्लान किया था. बीइंग अ प्रोड्यूसर ही ऑल्सो नोज ना वॉट टू डू, वेन टू डू, वाई टू डू. सो थिंग्स आर नॉट गोइंग इन दैट मैनर. सो ऑफकोर्स ही इज़ ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड. सो इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ द प्लानिंग एंड प्लॉटिंग. आई कैन जस्ट से दैट वर्किंग गर्ल यू नो द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड मी एंड आई एम प्लेइंग विद बोथ द गोविंदास. हियर ही हैज़ वन योगी एंड वन भोगी. सो आई एम विद बोथ ऑफ देम. आई एम एक्चुअली नॉट विद देम, बट आई एम एक्चुअली विद देम इन दैट वे.
सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हेडेड वर्किंग गर्ल है जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लाइफ डील करती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लाइफ लीड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस फिल्म में कि एक सोशल मैसेज है पूरे नेशन के लिए। सो वो जब आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। योगी भोगी के साथ कैसी केमिस्ट्री रही आपकी? बहुत अच्छी क्योंकि एक्टर तो एक ही है ना। कैसी केमिस्ट्री रही सेट के दौरान गोविंदा जी के साथ? गोविंदा जी लाइक यू नो ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन ऑल्सो ही इज़ वेरी जॉली एंड वेरी हम्बल पर्सन। ऑन स्क्रीन तो लिमिटेशंस आ जाती है डायलॉग्स को लेके, एक्सप्रेशन को लेके ही हैज़ टू, बट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो ही इज़ वेरी नाइस, वेरी हम्बल। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी बहुत ज़्यादा सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ। एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिहेवियर एंड यू नो द कॉपरेशन ही हैड गिवन टूवर्ड्स अस इन दिस फिल्म। वी ऑल ऑफ लाइक थ्री ऑफ अस आर वेरी न्यू एंड टू द इंडस्ट्री। सो उन्होंने हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि यार तुम लोग अभी अभी आए, मैं तो यू नो सुपरस्टार हूँ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं, और एक दिन भी ऐसा फील नहीं कराया उन्होंने। बेसिकली आपके प्रोफाइल की बात करें, प्रहलाद जी ने आपको ब्रेक दिया है, जी गोविंदा जी को भी प्रहलाद जी ने ब्रेक दिया था जी एग्जाम, जी तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या बनना चाहते थे किसी का अगर फिल्मों में नहीं आती तो कैसे आपको मिली थी एक लाइन में? कैसे मिली फिल्म? लाइक आई केम विथ माई अंकल टू हिम एंड उस टाइम पे CBFC में, तो उन्होंने सिर्फ मुझे बोला अपने फोटोग्राफ्स भेज दो। आई इज़ लाइक ओके। और कुछ भी मैं इनकी फिल्मों की बातें कर रही थी, शोला और शबनम, आंखें एंड इल्ज़ाम एंड ऑल दैट, बट ना इन्होंने कोई काम की बात मुझसे करी ना मैंने कोई काम की बात करी। बट वन फाइन डे उनके दिमाग में ही हैज़ एन ईगल आई, यू नो ही डिटेक्ट्स पीपल, बट वो सिर्फ अपने दिल दिमाग में रखते, जब राइट टाइम आता तभी वो उस बारे में बात भी करते और उस काम को यू नो आगे भी बढ़ाते। तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, इट जस्ट हैपन, मे बी आई वॉज डेस्टाइन फॉर दिस। कैसी मस्ती रही सेट पे आपकी, कहाँ शूट हुआ था ये सब? ये शूट हमारा कर्जत में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और सेट पे तो लाइक यू नो सब लोग इतने ज़्यादा फैमिली और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते थे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा या फैमिली से दूर हुई हूँ ना, कहीं आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ द होम हूँ, लाइक ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। हम लोग इनफैक्ट लाइक आई एम वेरी क्लोज टू नीता आंटी, सो मैं इनके साथ ही होती थी लाइक यू नो 24/7। एंड अभी हम लोग जब राजस्थान में शूट था तो वी वर ऑल टुगेदर, लाइक वी यूज टू हैव एवरीथिंग यू नो टाइम टू टाइम वी यूज टू गो आउट एवरीथिंग, वट एवर, इफ आई एम फ्री आई एम ओनली विथ नीता आंटी, दैट्स ऑल। अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं आपकी पहली फिल्म में आपको गोविंदा जी के साथ प्रहलाद जी के साथ मिले? ऑफकोर्स लाइक इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं मुझे तीन तीन बड़े नाम मिले हैं। सो इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम सो थैंकफुल टू प्रहलाद जी दैट एक्चुअली मैं इनसे मिली, और उन्होंने उनको जो भी उस टाइम पे लगा होगा आई डोंट नो, वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट दैट, बट मुझे इतना पता है कि उनकी ईगल आई है जो वो डिटेक्ट कर लेते हैं जो। एंड उनकी एक और खासियत ये है कि ही इज़ द ओनली प्रोड्यूसर हु गिव्स चांस टू न्यू कमर्स, बिकॉज उनका एक और कंसेप्ट है लाइफ में कि मैं, उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया इस फिल्म के लिए, उन्होंने मेरा कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया इस फिल्म के लिए। उनका ये बिलीव है कि वो 5 मिनट के ऑडिशन से ऐसा ना हो कि मैं कभी किसी हीरे को खो दूँ, एक फेयर इनफ चांस उसको मैं दूँ एक फिल्म में काम करने का मौका, उसके बाद उसकी डेस्टिनी और उसका हार्डवर्क उसको वो कहाँ लेके जाता, बट एटलीस्ट मैं तो एक फेयर चांस दूँ, तो दैट्स व्हाट ही बिलीव्स इन दैट। तो उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया, ही हैड यू नो इमेजिन और विजुलाइज कि किसके लिए कौन सा कैरेक्टर फिट रहेगा। आखिरी सवाल, आप ज्यादातर दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं फिल्म को लेकर, जो भी कंट्रोवर्सी में है, जो रिलीज नहीं हो रही है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सी जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मुझे लगता है इनके राइवल्स हैं बहुत ज़्यादा, लगता है कि ऑफकोर्स है, बिकॉज ऐसे ये जो हमारी फिल्म में कट्स आए, हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो अगर सर गलत होते तो पहली बात तो वो अपना इतना 11 मिनट्स का पूरे मीडिया को कुछ भी नहीं दिखाते, बट उन्होंने यू नो ही वॉज सो राइट एंड ही हैड बीन इन दैट चेयर, ही नोज़ वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू। सो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कोई अपने लिए काम करेंगे या दुनिया को दिखाने के लिए, ना ही वोंट डू सच स्टफ। सो उन्होंने अपनी 11 मिनट्स की क्लिप पूरी मीडिया को दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा होल्ड किया था। सो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है उनके राइवल्स प्लस गोविंदा जी के। आई मीन ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, तो मुझे लगता है जो उनके एरा के जो एक्टर्स है इवन दे आर इनसिक्योर कि गोविंदा आ जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा।